नमस्कार, आप सभी को मेरे इस YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आज भादो शुक्ल पक्ष चतुर्थी तिथि है और आज के ही दिन भगवान गणेश जी का अवतार हुआ था। कहते हैं कि इसी दिन माता पार्वती ने अपने शरीर के मैल से निकाल करके और गणेश की मूर्ति बनाई थी और उसमें प्राण फूके थे, और तब से लेकर आज तक गणेश चतुर्थी को बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। यह गणेश चतुर्थी आज से प्रारंभ होकर के पूरे 10 दिन तक पूरे भारतवर्ष में, खास करके महाराष्ट्र, दिल्ली, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, अन्य जगहों में 10 दिन तक इनकी बहुत अच्छे से पूजा पाठ की जाती है, पूजा अर्चना की जाती है और अनंत चौदस के दिन इनका विसर्जन किया जाता है। प्रथम पूज्य गणेश को हम सभी प्रणाम करते हैं और आज मैं एक प्रार्थना बताती हूँ। संकट हरने वाले गणेश जी का नाम, और वो ये है, ध्यान से सुनना। प्रणम्य शीर्षा देवम गौरी पुत्रम विनायकम भक्त्यावासम स्मरणित्यम आयुष्कामर सिद्धये प्रथमम अक्तुंडम च एक दंतम दीतेकम तृतीय कृष्ण पिंगांशम गज वक्रम चतुर्थकम लंबोदरम पंचमम च षष्ठम विकटमेव च सप्तमम विघ्नराजम च धूम्रवर्णम तथाष्टमम नवमम भाजनमम च दशमम तु विनायकम एकादशम गणपति तु द्वादशम गजाननम द्वादशतानि नामानि त्रिसंध्यमय पठे नरः नास्ति विघ्न भयम तस्य सर्वसिद्धि लभे ध्रुवम। विद्यार्थी लप्ते विद्याम, धनार्थी लप्ते धनम, पुत्रार्थी लप्ते पुत्रान, मोक्षार्थी लप्ते गतिम। जपन गणपति स्त्रोतम षडीभिर्मासे फलम लभेत संवत्सरञ्च सिद्धिर्लप्ते नात्र संशयः अष्टाभ्यो ब्राह्मणश्च लिखित्वा यः समर्पयेत तस् विद्या भवेत् सद्यो गणेशस्य प्रसादतः। यह जो गणपति जी के 12 नाम हैं, द्वादश नाम हैं, इनके जो कोई भी व्यक्ति सुबह शाम दोपहर कभी भी इनका स्मरण करता है, कहते हैं सारे संकट दूर हो जाते हैं। प्रथम पूज्य गणेश, विनायक गणेश, इन सभी का, इनका जो नाम स्मरण करता है, जो उनको दिल से याद करता है, इसीलिए कहते हैं कि कोई भी पूजा पाठ करने जाओ सबसे पहले गणेश जी की ही हम पूजा करते हैं। तो आज गणेश चतुर्थी है, गणेश जी का जन्मोत्सव है, तो हम सभी खुशी खुशी भगवान गणेश जी की पूजा करते हैं, अर्चना करते हैं। एक श्लोक और बताती हूँ मैं आपको, वो ये है गणेश जी का 12 नाम। सुमुखश्च एक दंतश्च कपिलो गज कर्णक लंबोदरश्च विक्टो विघ्ननाशो विनायक धूम्र केतु घनाध्यक्षो बालचंद्रो गजानन द्वादशतानी नामानी य पठचुरुन यादपि विद्यारंभे विवाहे च निर्गमे तथा संग्रामे संकटे च तस् विघ्नस्तस्य न जायते। संग्राम हो, संकट हो, विद्या अर्जन हो या विद्या प्रारंभ करने जा रहे हो, तो गणेश जी का नाम लेकर के अगर हम काम करते हैं तो हमारा काम पूरा होता है। भगवान गणेश माता पार्वती के पुत्र हैं और माता पार्वती का उन पर विशेष स्नेह है। कहते हैं कि एक बार माता पार्वती भगवान शिव से नाराज होकर के किसी गुफा में जाकर के बैठ गई तपस्या के लिए, और उन्होंने अपने शरीर के मैल से, शरीर के उबटन से एक मूर्ति बनाया और उसका नाम उन्होंने गणेश रखा। उनमें प्राण फूके और उनको अपने पुत्र रूप में नियुक्त किया अपने घर में और कहा कि पुत्र, कोई भी व्यक्ति बिना परमिशन लिए आप किसी को अंदर मत जाने देना। और भगवान गणेश माता पार्वती की आज्ञा का पालन करते हुए पहरा दे रहे थे। भगवान शंकर का जब क्रोध शांत हुआ तो घूमते घूमते वो उसी स्थान पर आए जहाँ पर माता गुफा में साधनारत थी। सामने एक बालक को देखा उन्होंने और पूछा कि क्या यहाँ पार्वती है? उन्होंने कहा हाँ पार्वती है, कि क्या कर रही है? क्या स्नान कर रही है? मुझे अंदर जाने दो। बोले कि नहीं जाने दूंगा, माता का ऐसे आदेश नहीं है, माता जब कहेंगी तब आपको अंदर जाने दूंगा। भगवान शिव को क्रोध आया और उन्होंने युद्ध मचाया उस छोटे से बालक से, पर गणेश भी कम नहीं थे, माता की आज्ञाकारी पुत्र। उन्होंने कहा मेरे प्राण भले चले जाएंगे लेकिन मैं अंदर आपको नहीं जाने दूंगा। युद्ध हुआ, भगवान भोलेनाथ ने गणेश का सिर अलग कर दिया त्रिशूल से। अंदर आए, माता पार्वती ने पूछा आप अंदर कैसे आए, बाहर बैठा हुआ बालक उसका क्या हुआ? कि मैंने उसको तो मार दिया। माता पार्वती कहीं, जब तक उस बालक को आप जीवित नहीं करोगे तब तक आप अंदर नहीं आओगे। और माता के क्रोध के आगे पूरा ब्रह्मांड थर्राने लगा। भगवान शिव ने सारे देवताओं को आदेश दिया कि
भगवान गणेश के सिर को जोड़ा जाए, फिर घूमते घूमते चारों ब्रह्मांड में देखे तो जाकर के एक और किसको लाना था, वो हथिनी, वो व्यक्ति चाहे कोई भी हो जो अपने नवजात शिशु को अपने से अपने पास लिटाकर अपनी करवट दूसरी तरफ करता है, उसी के शिशु का सिर लाना था। पूरे ब्रह्मांड में ऐसा कोई नहीं दिखा, केवल एक हथिनी थी जो अपने बच्चा को, नवजात शिशु को पैदा करके अपने सिर उल्टी तरफ की हुई थी। तब भगवान ने, विष्णु ने उसके ही सिर को काट करके और लाया। भगवान शिव ने उस सिर को स्थापित किया गणेश जी के सिर पर और तब से वो गजानन कहलाने लगे और माता का क्रोध शांत हुआ। गणपति जी विद्या बुद्धि के प्रतीक है, काफ़ी बुद्धिमान है। एक बार उनकी बुद्धि की परीक्षा लेने के लिए भगवान और माता पार्वती ने कहा कि जो संपूर्ण पृथ्वी की परिक्रमा कर लेगा वही प्रथम पूज्य कहलाएगा। अब कार्तिक के पास तो मोर जल्दी से उड़ने वाला और हमारे गजानन के पास छोटा सा चूहा। गजानन जी परेशान हो गए, बोले अब क्या करें। उसी समय नारद आए, बोले कि पूरी पृथ्वी की परिक्रमा करने की आवश्यकता क्या है, अरे तुम्हारे माता पिता ही तो ब्रह्मांड के मालिक हैं, इनकी परिक्रमा कर लो। और गजानन ने, भगवान गणेश ने, विनायक ने शिव और पार्वती की परिक्रमा कर ली। परिक्रमा करते ही प्रथम पूज्य कहलाए। जब लौट करके कार्तिक जी आए, देखे कि ये तो प्रथम पूज्य कहलाए और मैं तो पीछे रह गया, तो माता पार्वती का विशेष स्नेह है, भगवान शंकर का विशेष स्नेह है गणेश पर, और गणेश की विशेष कृपा है हम सब पर। इसलिए आज गणेश चतुर्थी हम बड़े धूमधाम से मनाते हैं और आप सभी मनाइए। विद्या बुद्धि के दाता है गणेश, विघ्नों का नाश करने वाले गणेश, तो इन विघ्न विनाशक को हम प्रणाम करते हैं। और आज से हम 10 दिन तक भगवान गणेश की पूजा करेंगे। भगवान को मोदक बहुत प्रिय है, लड्डू बहुत प्रिय है, तो उनको विभिन्न प्रकार के लड्डू से उनकी पूजा करते हैं। और आज के हम जो हमने गणेश चतुर्थी आपको बताया है, ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, अगले पुस्तक, तब तक तो जाने की इजाज़त, बाय बाय।